दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई जानकारी के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि स्क्रीन पे जो डिस्प्ले आ रहा है, डिस्क्लेमर आ रहा है, उसको पढ़कर ही आगे बढ़ें ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों, इसके अलावा एक और निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए पूरी की पूरी जानकारी भी आपको होना चाहिए क्योंकि वह आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ एक और निवेदन है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उनका ज्ञान अपडेट हो सके। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ मैं शुरू करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जिस पे दर्शक, जो हमारे YouTube के दर्शक हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे थे और लगातार मुझे इस पे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित कर रहे थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक कंपनी रिलायंस पावर की। दोस्तों, रिलायंस पावर को कौन नहीं जानता है, इंडिया का एक लीडिंग कंपनी था, एक बहुत बड़ी पावर जनरेशन कंपनी थी और इसने जब से लिस्ट हुआ शेयर मार्केट में तब से लेके आज तक सिर्फ इसने रिटेल निवेशकों को रुलाया है, सिर्फ और सिर्फ रुलाया है, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इस पे मैं पूरा एनालिसिस आज करूँगा और शुरू से लेके अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद यह समझ में आ जाएगा कि इस शेयर में आज के रेट में निवेश करना चाहिए कि नहीं, या जो लोग निवेश किए हुए हैं किसी रेट पे उनके लिए क्या करना उचित रहेगा, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह जानकारी इंपॉर्टेंट है और ADAG ग्रुप का यह एक महत्वपूर्ण कंपनी है। इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज न्यूज़ भी आया है, उस पे भी बात करेंगे लेकिन वो वीडियो के अंत में बात करेंगे। उससे पहले मैं फंडामेंटली इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसका IPO रिलायंस, सबसे पहले जान लीजिए रिलायंस पावर करती क्या है। रिलायंस पावर जितने टाइप के पावर जनरेशन होते हैं, थर्मल अर्थात कोल बेस्ड पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इन चारों सेक्टर में काम करती है। यह न्यूक्लियर पावर में भी जाने वाली थी लेकिन शायद नहीं जा पाई फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन इन चारों सेक्टर में यह काम करती है और देश में ही नहीं, यह विदेश में भी इसके पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है। तो आप ये समझ गए कि पावर जनरेशन के हर सेक्टर में काम करती है। इसके पास अपना एक कोल ब्लॉक भी है जिससे कोयला उत्पादन करके ये काम करती है। अब आप समझिए कि इसके पास जो जनरेटिंग कैपेसिटी है, सबसे पहले उसकी बात करूं, इसके पास जो दोस्त जनरेटिंग कैपेसिटी है वो मैं कुछ प्लांट के ओवरव्यू डिस्क्राइब करता हूं। 3960 मेगावाट का सासन में इसका प्रोजेक्ट है, 1200 मेगावाट का रोजा में इसका प्रोजेक्ट है, 140 मेगावाट भी रोजा के आसपास में है और 600 मेगावाट बूटी बोड़ी करके है और 45 मेगावाट एक विंड ऑपरेटिंग प्लांट है। ये कुल मिला के 5945 मेगावाट, 5945 मेगावाट का इसका जो प्लांट है वह ऑपरेशनल है, अर्थात उससे बिजली जनरेशन होता है, उसका सेल परचेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है। इतने तो इसके जो प्लांट है वो एक्टिव हैं और आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल है। अब मैं आपको वैसे प्रोजेक्ट की बात करा रहा बता रहा हूँ जिसके कारण कंपनी बर्बाद हुई और जिसके कारण कंपनी की ये दुर्दशा हुई है। कंपनी के अंडर डेवलपमेंट अर्थात जहाँ पे उसने काम शुरू करी लेकिन कभी पूरी ना हो सकी, वैसे प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ। 3960 मेगावाट का है चितरंगी में, 138 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट है, 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है, 4220 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है, 3000 मेगावाट का एक बांग्लादेश में प्रोजेक्ट है, 2400 मेगावाट का समालकोट आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट है और 3960 मेगावाट का कृष्णपट्टनम
में एक है। कुल मिला के 18,078 मेगावाट का इसका ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पूरा ना हो सका। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो ये 18,078 मेगावाट का जो अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेवलपमेंट प्लांट कह सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी न तो साइट पे उसके उपलब्ध है और न ही तो मार्केट में इसकी कोई ज़्यादा जानकारी है। लेकिन मेरा अपना व्यू समझिए आप कि हर पावर प्लांट के लिए एक अच्छा खासा लैंड बैंक की ज़रूरत होती है। तो सब जगह कम से कम पहला इनिशियल काम होता है सबसे पहले ज़मीन का एक्विजिशन, तो सब जगह इसका लैंड होगा, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद मशीनरी। कहाँ तक काम हो पाया ये कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑथेंटिक नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इन जो 18,078 मेगावाट का जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट था वहाँ एक अच्छा खासा कंपनी के पास एसेट होगा, अनयूज्ड एसेट होगा, जिसका कोई यूज आज के डेट में नहीं हो रहा है। और अगर कुछ काम हुआ होगा तो बहुत सारा ऐसा जगह भी होगा जहाँ बहुत थोड़ा बहुत पैसा लगा के उसको ऑपरेशनल किया जा सकता है, मे बी ऐसा भी कुछ जगह होगा। लेकिन चूंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैं एक्चुअल में कंपनी की औकात बताया हूँ कि कंपनी का अगर पूरा प्लांट ऑपरेशनल हो जाए, सारे के सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाए, तो लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर हो सकता है कंपनी। लेकिन अब इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके शेयर की लिस्टिंग से लेके आज तक की कहानी की। तो इसका लिस्टिंग जो हुआ था दोस्त, वो 2008 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। 2008 में आईपीओ आने के बाद जो आईपीओ आई थी 450 रुपये के प्राइस पे आई थी, जिसमें रिटेल निवेशक को 430 रुपये पे अलॉट होना था। तो इसकी जो आईपीओ थी वो बहुत ही ओवर सब्सक्राइब हुई थी, लगभग 72 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई थी। और उस समय मुझे याद है कि मार्केट में उसके बाद से ही जो क्राइसिस शुरू हुई थी, अमेरिका से जो बैंक सब बैंकरप्ट होना शुरू हुए थे, वो क्राइसिस शुरू हुई थी और उसके कारण जो मार्केट में फिर लोअर क्रैश हुआ और कंटिन्यू मार्केट डाउनसाइड जाने लगा। तो लोगों का ये भी एक कहना था कि ये इतना बड़ा आईपीओ था कि सब लोगों ने सारे शेयर पैसा बेच के रिलायंस पावर के आईपीओ में लगा दिया, जिसके कारण से मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि जो उसका एक्युमुलेटिव पूरा वैल्यू था वो लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास अप्लाई हुआ था जो पैसा, और लगभग 11,500 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैसा जुटाया था। तो ये अपने समय की बहुत ही बड़ी आईपीओ थी और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब हुई थी और लोगों को लग रहा था कि इससे बहुत पैसा आएगा। लेकिन आखिर क्या हुआ, जब वो लिस्ट हुई तो लगभग 538 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और उसी दिन सेम डे 372 रुपये का क्लोजिंग हुआ था। कंपनी का जो शेयर लिस्टिंग परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल बेकार था और उसके कारण कुछ ही दिनों के अंदर कंपनी ने अपने रिटेल शेयर होल्डरों के लिए बोनस का ऐलान किया। 3:5 बोनस दिया गया कंपनी के निवेशकों में विश्वास जगाने के लिए कि कंपनी अच्छा कर रही है और कंपनी के पास पैसा है। आपको मालूम है बोनस उस वही आदमी देता है जिसके पास एसेट होता है, तो उससे एक सिग्नल गया कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है और कंपनी बोनस दे रही है तो कंपनी भविष्य में बहुत पैसे कमा के देगी। और बोनस देने के बाद जो कंपनी का शेयर प्राइस जो इफेक्टिव वैल्यू रहा वो लगभग 290 रुपये के आसपास रहा। लेकिन उसके बावजूद कंपनी कंटिन्यू गिरता रहा। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है, जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए शेयर मार्केट में, इतने पैसे हो जाएंगे। सिम्फोनी ने यहाँ से बना के यहाँ कर दिया, 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपये हो गया। कुछ कहता है कि 40,000 रुपया लगाए वो 5 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ हो गया, वो एक आध कंपनी में हो गया कोई नहीं जानता। जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस पावर में पैसा लगाए होंगे उनका पैसा 0 हो गया। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ राइट टाइम टू इंटर, राइट टाइम टू एग्जिट। शेयर मार्केट में एवरी मिनट चेंजेज होने की संभावना रहती है, एवरी मिनट। आज हम वीडियो बना रहे हैं, अभी कुछ और हो जाए
अभी खबर आ जाए कि रिलायंस पावर को एनटीपीसी ने खरीद लिया है और कोई शेयर डाइल्यूशन नहीं होगा, बस हो गया काम इसका, 100 रुपया 200 रुपया अभी तुरंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शेयर बाजार जो है बहुत ही चमत्कारिक है, इसकी एक्टिविटी चमत्कारिक है। तो शेयर बाजार में अगर डायरेक्ट कोई निवेशक निवेश करता है तो उस पर ध्यान लगा के रखने की ज़रूरत है। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है तो कंपनी से तुरंत एग्जिट करें, नहीं तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, एक मैंने आलोक इंडस्ट्री पे वीडियो बनाया था, उस पर बहुत विवाद हुआ था कि रिलायंस ने खरीद लिया। रिलायंस के ब्रांड वैल्यू के कारण ही रिलायंस पावर में इतने निवेशकों का पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी ब्रांड देखी, रिलायंस है तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा, एनी हाउ कंपनी को चला लेगा, और नतीजा उसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस बिगड़ते चला गया, शेयर क्रैश होते चला गया और आज के डेट में ऑलमोस्ट इस पे जीरो पैसा है। दोस्तों मैं 2008 का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड का उस समय 0.2% के आसपास हिस्सेदारी थी, बैंक का हिस्सेदारी 0.47% के आसपास था, इंश्योरेंस 0.17% के आसपास था, FII जो थी 3.69% के आसपास था और रिटेल निवेशक जो था 4.2% के आसपास था, ये HNI भी 0.22% के आसपास था। ये उस समय का शेयर होल्डिंग था, अर्थात आप समझिए कि जो जो निवेशक अपने आप को होशियार कहते हैं उन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया था, और जैसे जैसे शेयर क्रैश होने लगा इनकी निवेश बढ़ती गई, इनके प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती गई। उस तरह से आपको 2019 की होल्डिंग पे सीधे लाता हूँ, उसके बाद 2020 पे लाऊंगा। 2019 की होल्डिंग के बात करें तो FII की होल्डिंग बढ़ के 6% के आसपास हो गई, DII की होल्डिंग बढ़ के 5.4% के आसपास हो गई, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग गिरते गिरते 45% के आसपास हो गई। इसमें प्रमोटर का 85% शेयर गिरवी भी पड़ गया और इंश्योरेंस का परसेंटेज भी 3.89% के आसपास हो गई। इस तरह से लगभग जितने जो होशियार निवेशक हैं, जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको देख के आप फॉलो करना चाहते हैं, FII, DII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बड़े बड़े बैंक्स, सब ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। अब ये सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने क्यों बढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस क्रैश होता गया होता गया, और आज के रेट में 2020 की बात करें तो 19.29% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जो लगभग 19% शेयर पिछले क्वार्टर में बेच दिया है, वो प्लेज वाला बेच दिया या इसने बेच दिया, लेकिन शेयर बेच दिया। FII की होल्डिंग अभी भी 5.22% बनी हुई है इस कंपनी में, इसमें 0.61% इसने भी पिछले क्वार्टर में बेचा है, और इंश्योरेंस का जो शेयर होल्डिंग है 3.83% अभी भी बना हुआ है। दोस्तों अगर बात करें 269 के प्राइस से, 278-279 के आसपास जो इसका वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू आया था, उस प्राइस से बात करें इसके 450 रुपये इनिशियल पब्लिक ऑफर के प्राइस से, तो उन प्राइसों से जब तुलना करिएगा, उन रेट से तुलना करिएगा, तो आज के डेट में 1.75 रुपया पे, जहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, शेयर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जितने निवेशक जो हाई प्राइस पे अपना पैसा लगाए थे उनका पैसा ऑलमोस्ट जीरो हो गया है या नियर अबाउट जीरो हो गया है। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस रेट पे हम पैसा लगाएंगे तो क्या इसका जो मल्टीबैगर होने की संभावना है, क्या इस रेट पे पैसा लगाना चाहिए? इससे पहले कि आगे बात करें, एक बार मैं आप लोगों को पुनः याद दिला दूं कि वीडियो में बने रहिएगा, आगे सबसे लास्ट में मैं न्यूज बताऊंगा, जो न्यूज आया है जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी जानकारी से अगर आप लोग लाभान्वित हो रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं यह काम करते रहूं और मुझे पता चले कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी है, किसी कोई लाभान्वित हो रहा है या नहीं, क्या मुझ में और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आप लोगों के कमेंट से ही, आप लोगों के जो रिएक्शन है उससे ही हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे और आप लोगों के लिए और बेहतरीन
आइडिया और बेहतरीन वीडियो बना पाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए यह जरूरी है, यह मेरा निवेदन है। दोस्तों अब मैं थोड़ा फिनेंशियल का ओवरलुक कर लूँ कि इसका मार्केट कैप जो है 504 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू 42 रुपया के आसपास है। जो आपको जितने भी लोग मिलेंगे एक बोलेंगे शेयर से दूर रहिए, शेयर से दूर रहिए, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे जो मैंने बताया कि 18,078 मेगावाट का जो इसका अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इस सब में कहीं ना कहीं वैल्यू तो हुई होगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो उन सब के कारण भी और कंपनी का जो पिछला जो बैकग्राउंड है, जो परफॉर्मेंस है, उन सब को लेके इसका बुक वैल्यू 42 रुपया के आसपास है, तो कंपनी लगभग जीरो में मिल रही है आपको, फ्री में मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निवेश सलाह दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका फेस वैल्यू जो है 10 रुपया के आसपास है, कंपनी कंटिन्यूअस लॉस में चल रही है, तो इसका कोई पी नहीं है और डिविडेंट भी कंपनी नहीं देती है। कंपनी के 52 वीक हाई लो की बात करें तो 8.55 रुपया का इसका हाई है और 1 रुपया का लो है, लो से लगभग लगभग 75% ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी लगभग 7.5% के आसपास इसका है। कंपनी जो है, जो इसका रिजोल्यूशन प्लान है, कंपनी जो बैंकर्स के साथ इसका जो एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से कंपनी कंटिन्यूअस अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है। और आज के डेट में जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.7 है, जो जितना इसके पास एसेट है, जितना इसके पास क्षमता है, उसके हिसाब से 0.7 डेट बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, इससे आप सहमत हो भी नहीं सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद आप डिसीजन करिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों एक आज अभी जो वीडियो शूट करने से ठीक पहले एक न्यूज निकल के आई है, जो कंपनी ने बीएसई को बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का एक आर्बिट्रेटर में कोर्ट में केस चल रहा था इंडोनेशिया में, जो एक फिनेंशियल ग्रुप के से और रिलायंस पावर से केस चल रहा था। उस केस में रिलायंस पावर ने जीत हासिल की है और इस जीत से रिलायंस पावर को मूलधन प्लस इंटरेस्ट के साथ 510 करोड़ रुपए इसको मिलेंगे। 510 करोड़ रुपए आज के डेट में 500 करोड़ जो इसका मार्केट कैप है उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम है, और ये इसके फिनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट लाएगा, इसके डेट को कम करेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही। ये इसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है और इसके लिए आपको देखना चाहिए। जहां तक बात है मल्टीबैगर की, एक बात हुई थी तो मैं बताना नहीं भूला हूं कि यह मल्टीबैगर का मतलब होता है मोर देन वन टू टाइम्स, तो यहां से कंपनी डबल ट्रिपल होने की पूरी संभावना है। कंपनी के पास एसेट है, कंपनी के पास सब कुछ है, लेकिन इस पे आप लोग खुद डिसीजन करिएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चूंकि इस रेट पे अगर कंपनी बिकती भी है तो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा, क्योंकि कंपनी के पास एसेट बहुत है और कंपनी के पास ऑलरेडी लगभग 5945 मेगावाट का ऑपरेशनल पावर प्लांट है, तो वो अच्छा है, कोल ब्लॉक भी इसके पास है, तो इन सब कारणों से कंपनी में वैल्यू है। अब देखना की बात ये है कि कंपनी आगे शेयर होल्डर को कमा के देती है या नहीं देती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं और पुनः अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।